हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरु जी। बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक न्यू रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं उसका एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाने वाला हूं। इसके अलावा आपको एक चीज़ कुछ चीज़ें हैं वो भी बताने वाला हूं, एक एमसीक्यूज आपको सॉल्व करवाऊंगा। इसके अलावा आपको बता दूँ कि इस बार एग्ज़ाम के अंदर, आप लोग सबको पता है कि इस बार एग्ज़ाम के अंदर एमसीक्यूज भी आएंगे, तो MCQs अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अकाउंटेंसी के सारे चैप्टर के आप MCQs अगर सॉल्व करना चाहते हैं, सारे चैप्टर क्लास 12th अकाउंटेंसी, इसके अगर आप सारे MCQs सॉल्व करना चाहते हैं तो सारे चैप्टर के पार्टनरशिप, कंपनी, जॉइंट वेंचर वगैरह वगैरह जो भी चैप्टर आपके, सारे चैप्टर के MCQs आपको मिल जाएंगे हमारी ऐप पर, कॉमर्स वाले गुरुजी ऐप। और ये ऐप जो है ये आपको प्ले स्टोर के अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा इस ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आपने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप ऐप डाउनलोड कर दीजिए। सारे चैप्टर का जो MCQs है वो ओनली 199 रुपीज़ में सारे चैप्टर के MCQs आपको जो है मिल जाएंगे, और ये आपके एग्ज़ाम के अंदर आपकी बहुत हेल्प करेंगे अच्छे मार्क्स लाने में। तो सारे MCQs है, और कम से कम एक चैप्टर के अंदर 30 से ऊपर MCQs हमने रखे हैं, उससे कम नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं, उनमें से ही एक चैप्टर सेकंड का एक MCQs मैं आपको यहां सॉल्व करवा रहा हूं। चैप्टर नंबर सेकंड, आपको पता है एडमिशन ऑफ जो न्यू पार्टनर है, नए साझेदार का प्रवेश, उसका एक MCQs मैं करवा रहा हूं आपको सॉल्व, जिसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये कैलकुलेट करने वाले हैं, नया लाभ हानि अनुपात की कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो एक अच्छे लेवल का आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। देखिए, ये है चैप्टर नंबर जो सेकंड है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश, उसका एक MCQs है। ये वहीं से लिया है मैंने, ऐप में जो फोल्डर बना हुआ है उससे ही, और आपको एक सॉल्व करके बताता हूँ। और ऐसे MCQs जो है आपको चाहिएंगे ताकि आपके एग्ज़ाम के अंदर कैसा भी पेपर आ जाए आप उसको अच्छे से सॉल्व करें। देखिए, इसके अंदर ABCD आर पार्टनर, चार पार्टनर हैं, एक है ए, एक है बी, एक है सी और एक है डी, ठीक है, अब असद साझेदार हैं। ए एंड बी शेयर 2/3 ऑफ द प्रॉफिट, ए और बी जो है ना, ये 2/3 ऑफ प्रॉफिट का ये दोनों शेयर कर लेते हैं। और कैसे करते हैं, ए एंड बी शेयर 2/3 ऑफ प्रॉफिट इक्वली, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 2/3 निकालेंगे और उसको ए और बी कैसे शेयर करेंगे, 1:1 रेशियो में। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अगर लूँ, अगर आपका प्रॉफिट है 30,000, ठीक है, फर्म का प्रॉफिट एज्यूम कर लेते हैं, उसका 2/3 कितना हो गया, उसका 2/3 निकाल दो, तो उसका 2/3 हो गया ये यहाँ पर 20,000। उस 20,000 को ये कैसे जो है, 20,000 को ए और बी कैसे डिवाइड करेंगे इक्वली, तो मतलब बराबर, तो इक्वली करेंगे तो ये कितना करेगा 10,000, ये भी कितना करेगा 10,000, समझ आया। तो ऐसा ये कह रहा है, अभी हमारे पास 30,000 प्रॉफिट है थोड़ी, ये तो मैंने एज्यूम किया है कि अगर 30,000 रुपये का प्रॉफिट हो तो फिर कैसे सॉल्व करना है, तो ओनली एजम्पशन है ये, ठीक है। प्रॉफिट हमको पता नहीं है कितना है, लेकिन जितना भी प्रॉफिट है उसका 2/3 जो है वो ए और बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओके। फिर आगे लिखा हुआ है एंड सी एंड डी शेयर रिमेनिंग प्रॉफिट, बाकी जितना भी प्रॉफिट बचेगा, जैसे इस केस में देखो 2/3 कितना हो गया 20,000, तो पीछे कितना बच गया 10,000, वो बैलेंस प्रॉफिट जो है, फॉर एग्जांपल के लिए 10,000 जो है, उसको सी और डी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको सी और डी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 रेशियो के अंदर। यानी कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ टोटल फर्म का प्रॉफिट 30,000, उसका 2 और 3 कितना हो गया 20,000, वो तो कौन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए और बी इक्वली। अब 30 में से 20 तो ए और बी ने बांट लिए, पीछे बैलेंस कितना बच गया 10,000, उस 10,000 को सी और डी कैसे बांटेंगे 3:2 के अंदर, ओके। लेकिन अभी हमारे पास ये चीज़ तो है नहीं जो मैंने यहाँ बताया, आपके पास ये है क्या, ये नहीं है सर हमारे पास, ये तो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है, प्रॉफिट है कहाँ हमारे पास। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, इस केस में हम एक एजम्पशन लेंगे। एजम्पशन क्या लेंगे मैं बताता हूं आपको, इस केस में हम एजम्पशन लेंगे कि एज्यूम फर्म्स प्रॉफिट इक्वल टू 1, हम एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम
फर्म प्रॉफिट इक्वल टू वन। तो अब फर्म का प्रॉफिट वन है तो मैं ए और बी का शेयर निकाल सकता हूँ ना। जैसे 30,000 फर्म का प्रॉफिट था तो उसका टू थर्ड करके ए और बी का निकाल दिया था, तो यहां पर भी मैं निकाल सकता हूं ए एंड बी शेयर इन प्रॉफिट। कितना टोटल प्रॉफिट है? वन। 30,000 नहीं है अपने पास, अब वन ही है, उसका टू अपॉन थ्री कितना हो गया? टू अपॉन थ्री, वापस टू अपॉन थ्री आया। 30,000 में कुछ नंबर्स होते तो कुछ और आता, लेकिन वो तो है नहीं हमारे पास, डिजिट तो है नहीं, प्रॉफिट एक्चुअल तो है नहीं, तो टू थर्ड आ गया। अब मुझे बताइए मैंने बैलेंस कैसे निकाला था वहां पर, कि भाई 30 में से 20 ये बांट रहे पीछे 10, तो यहां पर भी मैं ये करूंगा। बैलेंस प्रॉफिट कितना बच गया? बैलेंस प्रॉफिट जो कि सी एंड डी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टोटल फर्म का प्रॉफिट है वन। वन में किस किस का शेयर शामिल है? वन के अंदर शेयर शामिल है आपके, देखो इसमें ए का भी शामिल है, बी का भी शेयर शामिल है, सी का भी है और डी का भी है। कहने का मतलब वन जो मैंने एज्यूम किया ना फर्म का प्रॉफिट, तो ये वन प्रॉफिट किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? सारे पार्टनर में, ए में भी होगा, बी में भी होगा, सी में भी होगा और डी में भी होगा। टू अपॉन थर्ड ये किसका है? ये है ए एंड बी का। अब अगर मैं वन में से, अगर मैं वन में से यहां पर मैं क्या करता हूं, वन में से जो है वन टोटल प्रॉफिट है जिसमें ए बी सी डी चारों का प्रॉफिट शामिल है, उसमें से मैं ए और बी का प्रॉफिट हटा देता हूं, वो कितना है? टू अपॉन थ्री। समझ आया? देखो थोड़ा दूर लिख के आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखो वन प्रॉफिट है, वन में किसका है? ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है। ठीक है, पेन दूसरा यूज कर लेते हैं। तो वन में इन सब का प्रॉफिट शामिल है, इसमें से मैं हटा रहा हूं किसका? इसमें से मैं प्रॉफिट हटा देता हूं ए और बी का, वो कितना है? टू अपॉन थ्री। कहने का मतलब है वन में ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है, टू अपॉन थ्री किसका? ए का और बी का। तो अब पीछे जो प्रॉफिट बचेगा वो किसका होगा? सी का और डी का, वही तो लिखा है बैलेंस प्रॉफिट फॉर सी एंड डी। तो एलसीएम लेंगे तो आएगा थ्री, तो यहां वन है तो थ्री आ जाएगा, थ्री माइनस टू तो ये हो जाएगा वन अपॉन थ्री। अब ये वन अपॉन थ्री किसका प्रॉफिट है? सी एंड डी का। आया समझ में? टोटल प्रॉफिट एज्यूम किया वन, वो ए बी सी डी चारों का है, उसमें से हमें ये पता है कि ए और बी का प्रॉफिट टू अपॉन थर्ड है, तो वो टू अपॉन थर्ड मैंने लेस कर दिया, तो ए बी सी डी का प्रॉफिट था उसमें ए और बी का लेस कर दिया, तो पीछे जो प्रॉफिट बच गया वो सी और डी के लिए बच गया। अब सी और डी को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है? अच्छा, ए और बी को कैसे करना है? तो हम यहां निकालते हैं एज शेयर, एज न्यू शेयर। ए का देखो कितना है, ए को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा टू थर्ड का, कितना? इक्वली बांटते हैं ना ए और बी, ए और बी कितने मानते हैं? इक्वली, दोनों का मिला के, ए और बी दोनों का मिला के टू थर्ड है, तो उसमें ए को कितना मिलेगा? वन अपॉन टू, तो कितना हो गया? टू अपॉन सिक्स। बी इज न्यू शेयर, बी को कितना मिलेगा? टू अपॉन थर्ड का कितना? उसको भी वन अपॉन टू, जैसे ए को मिला वैसे भी इसको भी, तो टू अपॉन थर्ड का वन अपॉन टू, टू अपॉन सिक्स। आइए सी का निकालते हैं, सी इज न्यू शेयर, सी का और डी का हिस्सा कितना बच गया? वन अपॉन थ्री, और वन अपॉन थ्री को सी और डी कैसे? बैलेंस वन अपॉन थ्री बच गया, टू अपॉन थ्री इन्होंने ले लिया, वन अपॉन थ्री इसके लिए बच गया सी और डी के लिए। उसमें सी का रेशियो थ्री अपॉन फाइव, इन दोनों की टोटल फाइव, तो सी को देंगे थ्री अपॉन फाइव, तो कितना हो गया? थ्री अपॉन फिफ्टीन। डी इज न्यू शेयर, डी का न्यू शेयर, डी को कितना? डी को भी वन अपॉन थ्री जो बचा है डी के लिए, उसमें टू अपॉन फाइव, तो वन अपॉन थ्री मल्टीप्लाई बाय टू अपॉन फाइव, तो ये हो गया टू अपॉन फिफ्टीन। अब देखिए इनका रेशियो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पेन चेंज कर लेते हैं कलर ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, मिक्स नहीं हो। यहाँ देखिए हमारे पास ए है, बी है, सी है एंड डी है। ए का न्यू रेशियो आ गया टू अपॉन सिक्स, बी का आ गया टू अपॉन सिक्स, सी का आ गया थ्री अपॉन फिफ्टीन और डी का आ गया टू अपॉन फिफ्टीन। इनके नीचे देखो ये डिजिट सेम नहीं है ना, तो इनको सेम करने के लिए हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इसका कितना आएगा? ऐसी
कोई एक डिजिट ले लो, ऐसा एक नंबर ले लो जिसमें 6 का भी डिवाइड जाए, इस 6 का भी जाए, 15 का भी जाए, 15 का भी जाए, वो है 30। 6 की टेबल में 30 कितनी टाइम आता है? 6 की टेबल में, 6 की टेबल में 13 जो आता है वो 5 टाइम आता है, तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 10। ओके, 6 की टेबल में 30 कितनी बार आता है, 30 कितनी बार आता है, वही 5 टाइम, तो यहाँ भी हो गया 10, 5 टू ज़ा 10। 15 की टेबल में 30 कितनी बार आता है, 15 की टेबल में 30 कितनी बार आता है, सर 2 बार आता है, तो ये हो गया 6, और इस 15 की टेबल में भी 2 बार, तो ये हो गया 4। न्यू रेशियो क्या निकल के आ गया हमारे सामने, आप देखेंगे तो यहाँ पर न्यू रेशियो आ गया 10, 10, 6, 4, किसका, ए का, बी का, सी का और डी का। इसको कट कर दो आप, 5 की टेबल में या 2 की टेबल में जा रहा है 5 टाइम, 2 की टेबल से कट हो रहा है, ये भी 2 की, ये भी 5, 5, 3, 2, कौन सा करेक्ट है, ए पॉइंट करेक्ट है। ओके, मैंने आपको ये धीरे इसलिए कराया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, अगर आपको आता है तो आप इसको 2 मिनट में कर सकते हैं। तो ऐसे ही MCQs के क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हैं फुल, तो हमारी ऐप पर आ जाइए, कोर्स डिटेल में करना चाहते हैं तो भी ऐप पे आ जाइए, अच्छे परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो भी ऐप पे आ जाइए, और सिर्फ हमसे हेल्प लेना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, हम यूट्यूब चैनल पे भी ऐसे कई सारे छोटे छोटे वीडियो लाते रहेंगे, फुल डिटेल में नहीं लेकिन आपकी हेल्प के लिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, और कुछ पूछना हो तो नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।